आखिर तुम आई गई। मिलिट्री नायडू? मैं ही हूँ। तो फिर वेंकट नायडू? वो भी मैं ही हूँ। इस बलात्कारी आदमी को कोई कैसे इज्जतदार आदमी कह सकता है? उनकी तो मैं। हेलो, मुझे मिलिट्री नायडू से मिलना है। वहाँ पर अंदर होंगे। चला जा। गांव के लोगों ने मुझे बताया कि मिलिट्री नायडू सही है भयंकर नायडू को सबक सिखाने के लिए। हेलो सर, मेरा नाम कैंडी है और इसका नाम हारिका। हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं सर। एक ताकतवर गुंडे आदमी ने हम दोनों को परेशान करके रखा है सर। आप उस आदमी को पीट पीट के मसल दीजिए सर। अरे वाह 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 वाह, अच्छा है आखिर तुम आई गई। मिलिट्री नायडू? मैं ही हूँ। तो फिर वेंकट नायडू? वो भी मैं ही हूँ। इस बलात्कारी आदमी को कोई कैसे इज्जतदार आदमी कह सकता है? उनकी तो मैं। ए राजू, हैं ये लड़कियां तो आ ही गई। जी मालिक। ठंडा मंगवाओ, सबको यहाँ से भगाओ। ए, सब लोग जाओ यहाँ से, कोई दिखना नहीं चाहिए। हाँ चलो, अब बोलो तुम्हारे और मेरे भांजे कार्तिक के बीच में क्या पंगा हुआ है? कार्तिक इनका भांजे? मैं सिर्फ उसका मामा ही नहीं हूँ बल्कि उसका माँ बाप सब कुछ हूँ। अगर उसने कोई गलती की है तो मुझे बता दो। इतने दिनों से मेरे पीछे? यही सब जानने के लिए। और वो लेटर? उसी के लिए। और साइड में आने को कहा था? इसी मामले को जानने के लिए। आप लोगों को क्या लगा? उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप जानना चाहते हैं कि हम दोनों अलग क्यों हुए, सही कहा ना? तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी कार्तिक? उन इंटरव्यू लेने वालों से तो तुम ज्यादा शॉक लग रही हो। ये जानकर कौन शॉक नहीं होगा कार्तिक? मैंने लंदन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है क्योंकि मुझे लगा कि इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तुम वहां जाओगे। मैंने सोचा था कि हम लोग वहीं सेटल हो जाएंगे और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। अगर तुम्हें मुझसे यही एक्सपेक्टेशन है तो आई एम सॉरी हारिका, पर ये मेरी लाइफ नहीं है। ये लंदन न्यूयॉर्क सिर्फ देखने घूमने के लिए अच्छे हैं, पर मेरे लिए तो मेरा गांव ही प्यारा है क्योंकि वहां मेरे मामा जी रहते हैं। फिर मैं अपने डैड को क्या बताऊंगी जब वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे? बता देना मेरे मामा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उनके लिए मैंने नौकरी ठुकरा दी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है क्योंकि मैंने अपना फैसला कर लिया है। तो उसे भी छोड़ दोगे जिस लड़की को तुम प्यार करते हो? ये मेरा आखिरी सवाल है, तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारे मामा? अगर मामा के सामने जिंदगी को भी चुनना पड़े तो मैं मामा को ही चुनूंगा। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कार्तिक है। मुझे लगा कि मैं अपने प्यार को फिर से जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन उसे सिर्फ हमारी लड़ाई याद है अलग होने की पहले की। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बिल्कुल भी मिस करता है। लगता है वो मेरे बिना भी बहुत खुश है। हारिका, मैं अपने भांजे से बात करूंगा। प्लीज, मैं 2 दिनों में अब्रॉड वापस जा रही हूँ। आप और आपका भांजा यहाँ खुशी से रहिए। हारिका, कार्तिक को लंदन ले जाने के लिए उसके दादा दादी यहाँ आए हैं। ये तो मुझे ले जाने की ठान कर आए हैं। प्लान क्या है मामा? जाओ अपना बैग पैक करो। क्या बात है मामा, ठीक है मैं बैग्स लेकर आता हूँ। प्लान बताइए। कोई प्लान नहीं है, तू चला जा। मामा जी, अच्छी तरह से परवरिश की हमारी जिम्मेदारी खत्म। बेहतर यही होगा तुम इनके साथ लंदन चले जाओ। हे, इसका सारा सामान गाड़ी में रख दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा जी, यही रहूंगा। जब वो नहीं जाना चाहता तो आप उसे मजबूर क्यों कर रहे हैं? गणनी साहब, आप इसे अपने साथ ले जाइए। हारिका से मिलने गए थे ना मामा जी? हाँ, मैं उससे मिला था। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही है। तू सिर्फ मेरे लिए उस लड़की को छोड़ रहा है? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, ये गलत है। वो स्वार्थी है मामा जी। प्यार का मतलब ही स्वार्थ होता है। मैंने तुम्हें 23 साल तक यहाँ पर अपनी छाती से लगाकर रखा, इसमें मेरा स्वार्थ था। तुम्हें लंदन नौकरी पे भेजने के खिलाफ था क्योंकि तुम दूर चले जाते, ये भी स्वार्थ था। और लंदन कितना दूर है, यहाँ से वहां जाने में कैलेंडर की तारीख भी नहीं बदलती। तारीख 24 घंटों में बदल सकती है लेकिन मेरा दिल नहीं बदलेगा, चाहे आप उसे बदलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं लेकर जा सकता, आप भी नहीं मामा जी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम लंदन चले जाओ, मेरी कसम मामा जी। अरे रहने दीजिए वेंकटाराथम जी, उसे मजबूर मत करिए। जब आपने कहा कि मेरे पोते ने बुलाया है तो हम लोग यहां खुशी खुशी आ गए।
यहाँ आने के बाद पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। हमें देखना चाहिए कि वो उनके लिए क्या त्याग कर रहा है। वो उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार है जिसे वो प्यार करता था। जो आपने प्यार दिया है वो महान है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे पोते को यहीं रहने दीजिए। आप इस तरह हाथ मत जोड़िए। जाने से पहले कार्तिक की सारी यादें वापस लौटाना चाहती थी। कार्तिक का करियर और उसके साथ मेरा फ्यूचर, अपनी लाइफ में इन चीजों के अलावा मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। फ्रैंकली मैंने उसके इमोशंस के बारे में कभी नहीं सोचा। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसके ख्याल इतने अच्छे होंगे। मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। आई एम सॉरी कार्तिक। अभी मैं रियल में हैप्पी 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 हूँ।